AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपराधियों की वारदातों को अंजाम देने का तरीका भी बदल गया है। लिहाजा अब अपराध रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। साइबर एक्सपर्ट भी इसे लेकर परेशान है। वहीं इस खतरे से लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन मोड पर है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की बैठक में प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए और उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया था। तो AI का दुरुपयोग कर अपराधियों ने काफी वारदातों का अंजाम दिया और अपने तरीके भी बदले हैं। अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनिल, AI को टक्कर दी जा सके और AI को टक्कर देने के लिए अपराधियों ने अपनी काफी सारी टेक्निक्स भी बदली हैं और उसका एक दुरुपयोग किया गया है। फिलहाल इन अपराधियों पर लगाम कसने के लिए काफी काम किया जा रहा है, बताइएगा जानकारी। देखिए, साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और जो है साइबर अपराध के तरीके भी बदले जा रहे हैं। AI की मदद से जो है साइबर अपराध जो है कई तरह से किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है और गृह विभाग की बैठक में ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो है साइबर थाने खोले जाएंगे और साइबर डेस्क भी खोली जाएंगी और राज्य स्तरीय एक कॉल सेंटर भी खोला जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए चिंता जाहिर की और ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में अब साइबर थाने खोले जाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी भी दी जाएगी कि किस तरह से साइबर अपराधों से बचा जा सके। इसको लेकर भी कोई विशेष अभियान भी चलाया जाए और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कैसे वो सावधानी बरते, साइबर अपराधों से कैसे बच सके, इसको लेकर समय समय पर अभियान भी चलाए जाएंगे। वहीं गृह विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी नशे का कारोबार है उसे भी ध्वस्त किया जाए और जो गो तस्कर है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो कई तरह के निर्देश जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की बैठक में दिए हैं। तो देखिए, ये जो है आप बीते कुछ दिनों से कुछ समय से देख रहे हैं कि साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर ठग कई अलग अलग तरह से जो है लोगों को ठगते हैं और जो है अपने शिकार लोगों को बना लेते हैं तौर पर और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, इससे काफी नुकसान भी होता है लोगों को। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी साझा करने के लिए।